नागपुर के कामटी रोड पर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर कुछ सिखों द्वारा ही धरना दिया जा रहा है। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि 2018 से गुरुद्वारा सिंह सभा के नियुक्त किए गए प्रधान जसपाल सिंह संधू द्वारा गुरुद्वारा साहिब पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। प्रदर्शन कर रहे सिखों द्वारा बैनर लगाकर सिख संगतों को गुरुद्वारा साहिब से कब्जा छुड़वाने की गुहार लगाई जा रही है। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व प्रधान जरनैल सिंह ने बताया कि 3 साल बाद गुरुद्वारा साहिब प्रधान के इलेक्शन करवाए जाते हैं और पिछले 3 साल के कामों का और किए गए खर्च का लेखा जोखा संगत के समक्ष दिया जाता है। लेकिन जरनैल सिंह का कहना है कि 2018 से नियुक्त किए गए प्रधान जसपाल सिंह संधू द्वारा उसके बाद बिना इलेक्शन करवाए खुद अपने आप को प्रधान बना लिया गया है और न ही उनके द्वारा संगत को पैसों का हिसाब दिया गया है। तो उसमें क्लियर दिया है संविधान में कि ये जनरल बॉडी की मीटिंग है, ये होती है, उसके अंदर जो प्रधान रहता है, जो पुराना प्रधान है, वो अपने आप को मतलब रिजाइन देता है, अपना पूरा अकाउंट सबमिट करता है और अपने सबका धन्यवाद करके पूरी बॉडी को आपको यानी रिजाइन दे देता है। और उसके बाद में यानी जनरल बॉडी के जो मेम्बर्स हैं उनमें से मौके का प्रधान जो यानी इलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे यानी बातचीत होने के बाद उसने ये भी नहीं किया। मेरा नाम मलकीत सिंह बाल है। गुरुद्वारे में कोई विवाद रहता नहीं है, जहाँ सबसे पहले त्याग भावना होनी चाहिए। अभी सरदार जसपाल सिंह जी जो राजा हैं, इनको चाहिए था जो गुरुद्वारे का सिस्टम है या संगत का सिस्टम जो भी, उस हिसाब से चलना चाहिए था। इनकी जो सेवा 3 साल की पूरी हो चुकी थी, 1 साल इन्होंने ऊपर कर लिया है। इनका मेन काम था संगत को अपना हिसाब देते और संगत को हिसाब देते और जो अपनी कमेटी जो पीछे इनकी थी उसको भंग करते, उसको समाप्त करते और नई कमेटी लिए संगत को ऐलान करते कि आप नया जो भी मुख्य सेवादार उसकी उसका चुनाव कीजिए। यही मांग कर रहे हैं कि जसपाल सिंह को अपना इस्तीफा देकर, अभी जो वो अपने आप में प्रधान बने हुए हैं, वो दोबारा संगत जैसे चाहती है, जहाँ की संगत जो चाहती है भी दोबारा चुनाव हो, दोबारा सिलेक्शन हो, वैसा होना चाहिए। दूसरी तरफ जसपाल सिंह संधू द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व प्रधान जरनैल सिंह द्वारा गुरुद्वारा परिसर में अनशन करके गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को भंग किया जा रहा है। नागपुर से हरविंदर सिंह भमरा की रिपोर्ट, जीवे पंजाब टीवी।